आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। रिया ड्रग्स केस में एनसीबी रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर चुकी है और अब अगला नंबर रिया का है। रिया चक्रवर्ती से बहुत जल्द पूछताछ हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। एनसीबी की टीम शौविक चक्रवर्ती को लेकर साइन अस्पताल पहुंच गई है। ये कोविड अस्पताल है। पहले शौविक का कोविड टेस्ट होगा और फिर उसका मेडिकल किया जाएगा। कोर्ट में प्रोड्यूस करने से पहले यह नियम है कि मेडिकल कराया जाता है। एनसीबी अपने साथ सैमुअल मिरांडा, कैजान इब्राहिम और जैद विलात्रा को भी साइन अस्पताल लेकर पहुंची है। सभी आरोपियों का पहले कोविड टेस्ट होगा और फिर इनका मेडिकल कराया जाएगा। आज ही शौविक और मिरांडा की कोर्ट में पेशी होनी है। शौविक मिरांडा का मेडिकल टेस्ट होगा आज कोर्ट में, इन लोगों की पेशी की जाएगी। आज इनका कोविड टेस्ट कराने के लिए पहले इन्हें साइन अस्पताल लेकर गई है एनसीबी की टीम साइन अस्पताल, जो कि एक कोविड हॉस्पिटल है। एनसीबी के जॉइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कहा कि आज शौविक सैमुअल मिरांडा को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जबकि रिया चक्रवर्ती और दीपेश को लेकर एनसीबी अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब ये उस वक्त की तस्वीर जब शौविक चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती के भाई को लेकर एनसीबी की टीम निकली। देखिए घबराया हुआ शौविक चक्रवर्ती, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, सर झुका के बैठा हुआ है। इसे ये एहसास हो गया है कि इसकी गलती अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है, इसका गुनाह पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। ये 2 तस्वीर आप देखिए। आज पहले कोविड टेस्ट होगा और कोविड टेस्ट होने के बाद कोर्ट में पेश किया जाना है शौविक चक्रवर्ती को और उसका साथी सैमुअल मिरांडा, जिनकी ड्रग्स चैट पूरी दुनिया ने देखी। किस तरीके से ड्रग्स लेने और फिर उसे आगे बेचने की भी बात हो रही है, ये पूरी दुनिया ने जाना है। एनसीबी के जॉइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कहा है कि आज शौविक और सैमुअल मिरांडा को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जबकि रिया चक्रवर्ती और दीपेश को लेकर फिलहाल एनसीबी अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती। ठीक है, हम लोग ने 2 लोगों को ऑलरेडी अरेस्ट लोगों को दे दिया है, अभी हम उनको कोर्ट में प्रोड्यूस कर मैटर इज अंडर एडजुडिकेशन, मैटर इज अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन, आई कैनॉट रिवील दोस थिंग्स, अंडर इन्वेस्टिगेशन, आई कैनॉट रिवील एट दिस पॉइंट। जया शाह को समन किया जा सकता है क्या? एज ऑफ नाउ आई कैन ओनली से दैट वी हैव अरेस्टेड 2 पीपल, वी आर प्रोड्यूसिंग देम इन द 2 लोगों को ऑलरेडी अरेस्ट लोगों को दे दिया है, अभी हम उनको कोर्ट में प्रोड्यूस कर मैटर इज अंडर एडजुडिकेशन, मैटर इज अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन, आई कैनॉट रिवील दोस थिंग्स, अंडर इन्वेस्टिगेशन, आई कैनॉट रिवील एट दिस पॉइंट। जया शाह को समन किया जा सकता है क्या? जया शाह, एज ऑफ नाउ आई कैन ओनली से दैट वी हैव अरेस्टेड 2 पीपल, वी आर प्रोड्यूसिंग देम इन द। आपने ये दोनों ही तस्वीर देखी और आपने अधिकारी का बयान भी सुना। फिलहाल रिया चक्रवर्ती के साथ क्या होना है अभी इस पर वो साफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन शौविक चक्रवर्ती का आज टेस्ट होना है और कोविड हॉस्पिटल उसे लाया गया है। वहां से हमारे साथ संवाददाता राजीव सिंह जुड़ गए हैं। राजीव, आज क्या क्या होना है? देखिए, आज सबसे पहले मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है आरोपियों का, इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और एनसीबी की तरफ से अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें ये 2 चीज़ें आज महत्वपूर्ण तौर पर होगी। इसके अलावा जो एनसीबी की दूसरी टीमें इस पूरे ड्रग्स एंगल को सुशांत की मौत के बाद में जो खंगाला जा रहा है उसमें बाकी जो ड्रग पैडलर शौविक के संपर्क में थे, चक्रवर्ती परिवार के संपर्क में थे, उन ड्रग पैडलर की तलाश की जा रही है। कुछ जगहों पर हो सकता है एक सर्च ऑपरेशन भी किया जाए, लेकिन अभी इस बारे में और इन्वेस्टिगेशन को लेकर जॉइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े का खुद का ये कहना है कि अभी उसे रिवील नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साइन अस्पताल में इन सभी 4 गिरफ्तार आरोपियों का टेस्ट कराया जा रहा है। मेडिकल टेस्ट के साथ साथ में इनका कोरोना टेस्टिंग भी होगा, जो कि इस पेंडेमिक पीरियड में जो कंपल्सरी है, क्योंकि
तमाम जो एनसीबी के अधिकारी हैं वो इन्हें जब कस्टडी में लिए, इनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं, तो वो इनके संपर्क में आए हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्टनेस है और कोरोना टेस्टिंग की बात जो है वो खुद एनसीबी के अधिकारियों द्वारा कंफर्म कर दिया गया है। इसीलिए फोर्ट इलाके में जहां पर एनसीबी का दफ्तर है वहां पर सेंट जॉर्ज और जेजे जैसे बड़े अस्पताल हैं। ऐसे में राजीव, अगर अभी कोरोना टेस्ट होता है तो इसका नतीजा कितनी देर में आ जाएगा, क्योंकि अमूमन अगर सुबह टेस्ट होता है तो शाम तक का वक्त लगता है। कम से कम 12 घंटे तो अर्चना मानकर चलिए, क्योंकि अगर आज अभी 10 बज रहे हैं, अगर अभी अगले एक घंटे में उनका मेडिकल और कोरोना टेस्ट होता है तो कम से कम देर रात तक या फिर कल सुबह तक ही कोरोना का जो रिपोर्ट है वो आएगा। ऐसे में हम मान सकते हैं कि अगली कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन की लाइन है उसको लेकर भी साफ कर दिया एनसीबी ने। उनका कहना है कि आज सिर्फ मेडिकल होगा और कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा, बाकी जो पूछताछ करना अच्छा, है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल नम्रता से है। नम्रता, बस मुझे इतना जवाब दीजिएगा कि इन अच्छा मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक और अहम जानकारी, शौविक और मिरांडा की गिरफ्तारी के बाद अब रिया पूरी तरह से फंस गई है। इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि रिया ड्रग्स सिंडिकेट की एक अहम कड़ी थी। शौविक और मिरांडा ने एनसीबी को जो बयान दिया है उसमें रिया का नाम शामिल है। एनसीबी की 2 FIR में रिया का नाम है। शौविक ने यह माना है कि उसने रिया के क्रेडिट कार्ड से ड्रग्स खरीदी थी। एनसीबी के पास ड्रग खरीदारी के 12 बार ट्रांजैक्शन ऑन रिकॉर्ड है। इसके अलावा दीपेश सावंत के बयान से भी रिया फंस सकती है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, शौविक और मिरांडा ने जो एनसीबी को बयान दिया है उसमें रिया का नाम शामिल है। एनसीबी की 2 FIR जैसा कि मैंने जिक्र किया, शौविक के बाद अब रिया पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हमारे सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज क्या नम्रता, किला कोर्ट में शौविक को, मिरांडा को पेश किया जाएगा या फिर इनके कोविड रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा? मीनाक्षी, आपको बता दें कि अब फिलहाल जो उन्हें सायन अस्पताल ले जाया गया है तो जो कोविड टेस्ट हो रहा है, साथ ही मेडिकल टेस्ट भी हो रहा है, लेकिन उसके तुरंत बाद उन्हें किला कोर्ट ले लिया यहाँ पर बुलाया जाएगा। और ये जो है एनसीबी ने कंफर्म किया है, क्योंकि जो रिमांड है वो एनसीबी को लेनी है और जल्द से जल्द पूछताछ आगे बढ़ानी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती पर भी जो है गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और रिया चक्रवर्ती जो है इन सब में काफ़ी अहम बनकर भी उभर सकती हैं, क्योंकि शौविक हो या मिरांडा हो, हर किसी का कनेक्शन रिया से है और रिया का नाता सुशांत सिंह राजपूत से था। जैसे कि आपको बता दें, जितने भी ड्रग ट्रांजैक्शन हुए, 12 ट्रांजैक्शन सामने आए हैं और जो है रिया चक्रवर्ती का बकायदा क्रेडिट कार्ड जो है वो इस्तेमाल किया गया था, यानी कि जल्द से जल्द एनसीबी जो है इसका मतलब तो ये है संदीप कि रिया ये बात जानती थी कि ड्रग्स का लेन देन कर रहा है शौविक चक्रवर्ती, और रिया के अगर कार्ड पे ट्रांजैक्शन हो रहा था डेफिनेटली उनको ये भी पता होगा कि ये किस काम से पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, और कई बार तो रिया खुद चाहती थी कि ड्रग्स पहुंचाई जाए। बिल्कुल, जो चैट है व्हाट्सएप चैट, उसमें इस तरह की बातचीत स्पष्ट रूप से है कि रिया शौविक को ड्रग्स लाने के लिए कहती है, इंस्ट्रक्शंस देती है और शौविक पेडलर्स के जरिए ड्रग्स यहां तक, मतलब रिया तक पहुंचाता है। इस तरह की बातचीत चैट्स में है और साफ तौर पर जो ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी किया गया है कई दफा, तो कुल मिलाकर रिया की गिरफ्तारी की जो बात है वो स्पष्ट रूप से सामने आ रही, जबकि इन्वेस्टिगेशन काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। दीपेश सावंत से पूछताछ की जा रही है, वो भी एनसीबी की हिरासत में है, और जिस तरह से सैमुअल मिरांडा हो या फिर शौविक हो, इनकी जो पूछताछ चल रही है उससे भी कई राज लगातार सामने आ रहे हैं कि रिया ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि ड्रग्स लानी है और किस तरह से, क्योंकि एनसीबी इस बात की भी तफ्तीश करेगी क्या रिया बार बार कंज्यूम किया करती थी ड्रग्स और क्या सुशांत को दिया जाता था। इस तरह की बातें जो है वो आने वाले दिनों में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे इस तफ्तीश की परतें जो है लगातार खुलती रहेगी। जी राजीव, अभी तक रिया ने जितने भी बयान दिए हैं पब्लिक डोमेन में, चाहे वो रिटन बयान हो या फिर जो उन्होंने मौखिक बयान दिए हैं, उसमें वो ये बार बार इनकार करती रही है कि ना तो ड्रग्स उनका कोई कनेक्शन है और ना ही उन्होंने कभी हार्ड ड्रग्स लिए हैं, तो ऐसे में क्या
अब इन सभी का अगर मेडिकल कराया जाएगा तो कोई सबूत मिल सकता है? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने कभी ड्रग्स लिया था, क्या हाल में इन्होंने ड्रग्स लिया है? क्या क्या मेडिकल कराने पर ये बातें सामने आ सकती हैं? निश्चित तौर पर जब ब्लड टेस्ट कराया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है, तो ब्लड सैंपल से निश्चित तौर पर इस बात की जानकारी मिल जाती है मेडिकल रिपोर्ट में कि क्या किसी शख्स ने वो ड्रग्स कभी कंज्यूम किया है, नहीं किया है, ड्रग कंज्यूम करता है, ड्रग्स का आदि है, सेवन करता है, इत्यादि चीज़ें साबित हो जाती हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि रिया की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। शुरुआत से लगातार इस बात का दावा करती रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो अपने भाई से ही ड्रग्स को लेकर व्हाट्सएप चैट पर बात करती हैं, जहां पर वो ड्रग्स की बात करती हैं और ड्रग्स मंगाने की बात करती हैं। उसके बाद खुद शौविक चक्रवर्ती जो कि रिया के भाई हैं, उन्हें ये कह रहे हैं कि वो 5 बड जो है मुहैया करवा देंगे, जिसे 20 सिगरेट में भरकर इस्तेमाल किया जा सकता है स्मोकिंग करने के लिए। तो जाहिर बात है कि रिया ये ड्रग्स किसके लिए मंगवा रही थी, क्या वो खुद उसका सेवन करती हैं? जबकि पूरे चैट को अगर ध्यान से देखें तो उसमें एक बात यह है कि किसी अनजान शख्स के लिए उस ड्रग्स को मंगाया जा रहा था, तो क्या वो अनजान शख्स सुशांत चक्र करने वाली बात है? वो जिस तरीके से अपने मैसेजेस लिख रही थी, वो बार बार हिम करके यूज कर रही थी, तो इसका अंदाजा तो ये मिलता ही है कि और कोई दूसरा शख्स हो ही नहीं सकता सुशांत सिंह राजपूत के अलावा, क्योंकि वही उनके साथ स्पेस शेयर कर रही थी, उनके घर में रह रही थी। एक बार फिर से नम्रता, मैं आपका रुख कर रही हूँ, कोर्ट में कितने बजे पेशी होनी है और एनसीबी क्या चाहती है, कितने दिनों की रिमांड कस्टडी उन्हें मिल जाए? मीनाक्षी, आपको बता दें कि शौविक, मिरांडा, इब्राहिम और जैद की जो पेशी है तकरीबन 11 बजे होनी है, लेकिन ये जो मेडिकल टेस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अब कोरोना जो कोविड टेस्ट है वो भी इसमें जुड़ गया है, तो उसके हिसाब से मैक्सिमम 11:30 तक उन्हें कोर्ट में लाया जा सकता है। और एनसीबी जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रही है तकरीबन 6 से 7 दिन की जो है वो कस्टडी ले पाए, ताकि वो जो पूछताछ है वो तेज़ रफ्तार से हो, क्योंकि जो एनसीबी के हाथ में बहुत सारे लिंक अभी भी लगे हैं और रिया चक्रवर्ती जो हैं उनसे जुड़ी भी कई बातें जो है एनसीबी के हाथ लगे। जैसे कि शौविक चक्रवर्ती ने अपने पूछताछ में इस बात का जिक्र किया है कि रिया ने बकायदा जो ड्रग्स है वो मंगवाए थे और उन्होंने कहा कि वो सुशांत के लिए मंगवाए थे, लेकिन जब एनसीबी ने उनसे पूछताछ में पूछा कि क्या रिया भी कंज्यूम करती हैं, तो इस पर शौविक का जवाब थोड़ा टोल मटोल करने वाला था, कुछ भी क्लियर नहीं था। तो एनसीबी ज़्यादातर कोशिश कर रही कि जल्द से जल्द शौविक और मिरांडा जो कि खास रहे हैं रिया चक्रवर्ती के, उनसे ज़्यादा पूछताछ की जाए, उनकी ज़्यादा रिमांड ली जाए और जो केस है उसको जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए, ताकि बहुत सारे जो और भी पेडलर्स हैं और भी जो ड्रग का इस्तेमाल करते थे उन लोगों के जो है नाम सामने आ पाए। जी, और इस वक्त इंडिया टीवी के दर्शकों को हम बता दें कि जिस एक्ट के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है वो एक्ट भी हम आपके सामने रख रहे हैं, एनडीपीएस के एक्ट 28, इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट 29, ये जितने भी एक्ट लगाए गए हैं ये सभी धाराएं तकरीबन 10 से 20 साल तक की सज़ा और 1,00,000 तक का जुर्माना इन्हें भरना पड़ सकता है संदीप। और अगर ये स्थिति बनती है कि ड्रग्स ही वजह बना है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का भी, तो ये जुर्म और बड़ा हो जाएगा और रिया चक्रवर्ती का फिर से निकल पाना बेहद मुश्किल, या हम यूं कहें नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जिस तरह से अभी की पूछताछ आगे बढ़ रही है, शौविक के बयान लिए जा रहे हैं, साथ ही साथ सैमुअल के बयान लिए गए हैं, तो कुल मिलाकर इसमें अगली कड़ी रिया होगी। और रिया को जब पूछा जाएगा कि क्या उसने सुशांत को दिए हैं ड्रग्स या फिर सुशांत को बिना बताए वो ड्रग्स दिए गए हैं, कंज्यूमिंग हुई है, इस तरह की बातें सामने आएगी, जिसमें यकीनन रिया की गिरफ्तारी होकर ही रहेगी। और जिस तरह की पूछताछ इस वक्त चल रही है और जो धाराएं लगाई है उसमें कई बातें अहम हैं कि इस केस में वो गिरफ्तार होती है तो इससे बचना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कानूनन जो धाराएं हैं उसके मुताबिक 10 साल से ज्यादा का वक्त गिरफ्तारी का है, साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन का वक्त रहेगा, क्योंकि अगर ड्रग्स कंज्यूमिंग किया है तो रिहैबिलिटेशन करना पड़ेगा, साथ ही साथ इस तरह की कार्रवाई आगे की एनसीबी की रहेगी और अभी तो सीबीआई की कार्रवाई बाकी है, क्योंकि सीबीआई की पूछताछ लगातार जिस तरह से हुई है वो अभी खत्म होने पे है, अब सीबीआई किस तरह से कार्रवाई करती है। लेकिन कई बार राजीव, संदीप आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन कई बार राजीव ये लगता है कि मामला केवल इतने तक का नहीं है, ये हो सकता है इस पूरे सिंडिकेट की कुछ छोटी कड़ी हो, बड़ी मछली कोई और हो, इसलिए ये भी संभव है कि एनसीबी अपनी जांच का दायरा और आगे तक बढ़ाए तो शायद कुछ और बड़ी मछलियां
इस रैकेट में जो हैं, जिनका नाम अभी तक सामने नहीं आया है, उनका भी खुलासा हो। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एनसीबी का अगला टारगेट कौन है, एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने क्या कहा, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद।